हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज दिस क्लास इज फॉर बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट, जिनका कि अभी 26 से एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था मेरे से कि जो है पेपर 7th के लेक्चर्स बनाने के लिए, लेक्चर्स देने के लिए। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपको पेपर 7th के प्रोवाइड कर दिया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब चाहे यूट्यूब वाले बच्चे हो चाहे मेरे ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हो। ठीक है, आपको सफिशियंट है, इतना से आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा विद ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप लोग जो है वॉरीज मत करिए, घबराइए मत, ठीक है, और आराम से पेशेंस रख के पढ़िए। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज ओरिएंटल रीजन के बारे में। एक्चुअली हमने आपको कुछ रीजंस आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑनलाइन, जो है अभी ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है आप लोग को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग याद करने की थोड़ा सा मेमोरी पे प्रेशर डालिए, थोड़ा सोचिए। ठीक है, आपको मैंने पिछली क्लास में, चाहे आप ऑफलाइन के बच्चे हो चाहे ऑनलाइन के बच्चे हो, ठीक है, मैंने आप लोग को क्लासेस में और ऑनलाइन भी दोनों जू ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया हुआ है। जू ज्योग्राफी में मैंने बताया था कि टोटल 6 प्रकार का जो होता है, 6 टाइप्स रीजन होता है, जिसमें कि मैंने एक ग्राफ के जरिए बताया था। ठीक है, यहाँ क्लास में भी और आप लोग को ऑनलाइन में भी। तो आपको ये जो ग्राफ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये यही ग्राफ मैंने आप लोग को पढ़ाया था। और ये ग्राफ ऐसा है जो आप एग्जाम में बना सकते हो। तो चाहे ओरिएंटल रीजन आए, चाहे कोई भी रीजन आए, चाहे ऑस्ट्रेलियन रीजन आए, इथोपियन रीजन आए, तो आपको जो यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है कि कौन सा रीजन क्या है, वो आपको ड्रॉ करना होता है। तो अच्छा मार्क्स आपको जो है वो मिलेगा। सो यहाँ पे मैं एक बार फिर से उस चीज को लेकर के आई हूँ, और एक बार आप लोग जो है थ्रू आउट हो जाइए कि कौन सा रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो मिड में आपको ये लाइन नहीं दिख रही है, दिस इज द इक्वेटर लाइन। ठीक है, दिस वन इज इक्वेटर लाइन। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आपको 6 रीजन दिख रहा है। जो ज्योग्राफी जो होता है उसमें टोटल 6 रीजन होता है, जिसमें एक है नियार्टिक रीजन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक है नियार्टिक रीजन, दूसरा नियोट्रॉपिक रीजन। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर नियार्टिक रीजन, इक्वेटर के नीचे नियोट्रॉपिक रीजन। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे पैलियार्टिक रीजन है, यहाँ पे इथोपियन रीजन है। ठीक है, यहाँ ओरिएंटल रीजन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन रीजन है। तो टोटल आपको 6 रीजन है, जिसमें से कि इथोपियन रीजन हम लोगों ने डील कर लिया, इथोपियन रीजन पढ़ लिया है, और हमारे ऑफलाइन की क्लासेस के बच्चे सारे रीजन पढ़ चुके हैं। सो आप लोग के ऑनलाइन के लिए हम लोग ने इथोपियन और जो है आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, एंड अभी जो पढ़ाने जा रही हूँ वो कौन सा रीजन है, दिस वन। ठीक है, ये वाला रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ओरिएंटल रीजन। तो देखिए, ओरिएंटल रीजन कहाँ होता है, इक्वेटर के ऊपर होता है, पैलियाटिक के बाद। यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए कैसा होता है। तो हम लोग अभी इसी रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को पढ़ेंगे क्या क्या, एक एक माइंड मैप आप बनाइए कि क्या क्या चीजें आपको जानना चाहिए ओरिएंटल रीजन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कि ओरिएंटल रीजन में कौन कौन सा जगह है जो आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज द फाउना ऑफ ओरिएंटल रीजन। ठीक है, एंड इट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब रीजंस। ठीक है, तो ये 4 मेन चीज है जो आपको इसके बारे में जानना है कि ओरिएंटल रीजन के अंतर्गत क्या 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 कौन कौन से जगह आता है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कितने सब डिवाइड में ये डिवाइड होता है, कौन कौन से फाउना है जो कि पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम जो है डील करेंगे सारे चीजों को। मैंने एकदम प्रॉपर वे में आपको, कम समय है सो नोट बना करके आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ओरिएंटल रीजन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कौन कौन सा जगह। तो सबसे पहले कि ओरिएंटल रीजन इंक्लूड्स इंडिया, इंडो चाइना, बर्मा, फॉर्मोशा, फिलीपींस, साउथ चाइना, मलाया, सुमत्रा एंड सियाम। ठीक है, ये सारे जगह हैं जो कि ओरिएंटल रीजन में आते हैं। ठीक है, जो जिसमें कौन कौन से, इंडिया है, इंडो चाइना है, बर्मा है, फॉर्मोशा है, फिलीपींस है, साउथ चाइना है, मलाया है, सुमत्रा है एंड सियाम है। दिस आर द प्लेसेस विच कम्स अंडर इन द ओरिएंटल रीजन। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि जो ओरिएंटल रीजन है वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है। ठीक है,
तो जो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन आपको होगा वो जो होगा ट्रॉपिकल रीजन होगा, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में आपको टेम्परेट रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, टेम्परेट रीजन ना ज्यादा गर्मी होना, ना ज्यादा जो है बहुत ज्यादा हॉट होना, ना बहुत ज्यादा कूल होना, मतलब मॉडरेट टाइप का जो है क्लाइमेट, इस तरीके का क्लाइमेट होगा। ठीक है, मतलब अगर ओवरऑल की बात करें तो ट्रॉपिकल जो है ये रीजन इसमें इंक्लूड होगा, एंड जो नॉर्दर्न इंडिया होगा वो टेम्परेट, वहाँ का सिचुएशन टेम्परेट होगा, नहीं ज्यादा बहुत हॉट होगा, नहीं ज्यादा बहुत कूल होगा। ठीक है, दूसरी बात, ईस्टर्न पार्ट जो है मतलब ओरिएंटल रीजन में भी ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट आप लोगों ने देख लिया कि टेम्परेट होता है। ईस्टर्न पार्ट में जो है बर्मा, इंडो चाइना, नॉर्थ ईस्ट एशिया ये सारे आते हैं। तो जो ईस्टर्न पार्ट जो है ओरिएंटल रीजन का, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न पेनिनसुलर जो पार्ट है वो डेजर्ट एरिया का होता है, तो शो ऑफ कोर्स यहाँ पे गर्मी होगी। ठीक है, तो वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट जो होगा वहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है। अब साउदर्न पोर्शन की इसके साउदर्न पोर्शन मतलब देखें तो जो है इंडिया के साउदर्न पोर्शन में बहुत सारे लग्जरियंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलोन, इंडो चाइना, मलाया में जो है ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ यहाँ पे भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओरिएंटल रीजन के हर तरीके से आपको दिखाया गया कि कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट का, नॉर्दर्न इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन आपको टेम्परेट देखने को मिलेगा। ईस्टर्न पार्ट में जैसे बर्मा, इंडो चाइना, नॉर्थ ईस्ट एशिया वगैरह आते हैं, इसका आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो रेनी, यहाँ पे बारिश का मौसम होता होगा, तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट ज्यादा पाया जाता है। वेस्टर्न पेनिनसुलर पार्ट में डेजर्ट होता है, सो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, साउदर्न पोर्शन में जो इंडिया के साउदर्न पोर्शन में बहुत सारे मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, और सिलोन, इंडो चाइना, मलाया में भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब घना जंगल पाया जाता है, थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इट मींस कि यहाँ पे घना जंगल पाया जाता है। दिस आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ओरिएंटल रीजन। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो ओरिएंटल रीजन जो होता है, वेयर इज माय कर्सर, ओके ना, ओरिएंटल रीजन जो होता है, ओरिएंटल रीजन इज सब डिवाइडेड इनटू अ फोर कैटेगरीज, और वी कैन से इट इज सब क्लासिफाइड इनटू अ फोर सब रीजंस, दैट इज वन इज द इंडियन सब रीजन, अनदर इज द सिलोन सब रीजन, इंडिया इंडो चाइना सब रीजन, इंडो मलाया सब रीजन। दिस आर द फोर सब रीजन ऑफ ओरिएंटल रीजन। कौन कौन सा? इंडियन सब रीजन, सिलोन सब रीजन, इंडो चाइना सब रीजन, इंडो मलाया सब रीजन। ठीक है, ये चार सब रीजन जो है ओरिएंटल रीजन के पार्ट्स हैं। ओरिएंटल रीजन मतलब इसको अगर और भी डिवाइड करें कुछ सब रीजन्स में, तो चार सब रीजन्स में ये टोटल डिवाइड होते हैं। अब ये चारों सब जो रीजन्स हैं, जैसे इंडियन सब रीजन्स हैं, तो इस इंडियन सब रीजन्स में नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल पार्ट आता है। ठीक है, इंडियन सब रीजन में क्या क्या, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट आता है एंड सेंट्रल पार्ट आता है। जो इंडियन सब रीजन है वो एक्चुअली में हिमालय के रूट से स्टार्ट होता है एंड फ्रॉम मालाबार कोस्ट तक इंडियन सब रीजन कहते हैं। मतलब अगर बात करें तो कि कहाँ से कहाँ तक इंडियन सब रीजन है, तो फ्रॉम द रूट ऑफ हिमालयस टू द मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो हिमालय के रूट से लेकर के मालाबार कोस्ट तक आपको इंडियन सब रीजन होता है। नाउ इस रीजन, ये जो रीजन होगा ये प्लेन रीजन होगा, कुछ मतलब जो भी हिमालय से हम मालाबार कोस्ट की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया में कुछ प्लेन रीजन भी होंगे, कुछ डेजर्ट एरिया भी होगा, और ये जो रीजन है वो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल कंडीशन दोनों शो करता है। ठीक है, इंडियन सब रीजन टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल कंडीशन दोनों शो करता है। अब इंडियन सब रीजन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से फाउना पाए जाते हैं, एक्चुअली हम लोग फाउना की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि कौन सा फाउना किस रीजन एंड सब रीजन में पाए जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन सब रीजन की, तो इंडियन सब रीजन में एंटीलॉप आपको पाया जाएगा, पिकॉक पाया जाएगा, इंडियन बिशन पाया जाएगा, ब्लैक एलिफेंट्स पाया जाएगा, इक्वस पाया जाएगा एंड कुछ स्नेक पाया जाएगा, इक्वस इज हॉर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स हैं विच आर फाउंड इन इंडियन सब रीजन। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट सब रीजन ऑफ ओरिएंटल रीजन, दैट इज सिलोन सब रीजन।
ठीक है, सिलोन सब रीजन जो है इसमें सिलोन और कुछ जो है इंडियन पेनिनसुलर वाले कुछ पार्ट जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और इस सिलोन सब रीजन में लॉरिस एनिमल्स हैं, फाउना है एलिफेंट्स, इक्वस दैट इज हॉर्स, रैट, बैंडिकॉट, स्नेक, ये सारे पाए जाएंगे। ठीक है, किस रीजन में? सिलोन सब रीजन में। नेक्स्ट जो है सब रीजन और इंटर रीजन का, दैट इज इंडो चाइना सब रीजन। इंडो चाइना सब रीजन, इंडो चाइना सब रीजन में जो है चाइना एंड साउथ पैलियाटिक रीजन जो है वो इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि ये वाला जो रीजन होगा वो इंडो चाइना सब रीजन होगा। ठीक है, जिसमें कि चाइना एंड पैलियाटिक साउथ पोर्शन ऑफ पैलियाटिक रीजन आता है। ठीक है, अगर हम फाउना की बात करें कि इस सब रीजन में कौन कौन से फाउना पाए जाते हैं, तो लीमर पाया जाता है, राइनोसोरस पाया जाता है, सैलेमेंडर पाया जाता है, डिस्क टंग फ्रॉग पाया जाता है। तो ये कुछ फाउना है विच आर फाउंड इन द इंडो चाइना सब रीजन्स। नाउ नेक्स्ट सब रीजन्स इज इंडो मलाया सब रीजन्स। इंडो मलाया सब रीजन्स में जो है मलाया पेनिनसुला से लेकर के उसके नाइबरिंग जो आइसलैंड है, मतलब आसपास के जो भी आइसलैंड है, वो सारे इंडो मलाया में आते हैं। मतलब जो मलाया पेनिनसुलर है और उसके आसपास के सारे आइसलैंड वो किस में आएंगे? इंडो मलाया सब रीजन में आएंगे। ये जो रीजन है एक्चुअली में बहुत सारे फैमिलीज को रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हैं कि दे दिस सब रीजन प्रोवाइड सपोर्ट टू द फैमिलीज, मेनी फैमिलीज, दैट इज द 132 फैमिलीज। ठीक है, 132 फैमिली को ये रीजन जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है रहने में, खाने में एंड हैबिट एंड हैबिटेट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से फाउना पाए जाते हैं, तो गिबन यहाँ पे पाया जाएगा, राइनोसोरस पाया जाएगा, बैडगर पाया जाएगा, ब्रॉड बिल्स पाया जाएगा, और ये सारे जो फाउना है वेरी कॉमन, मतलब बहुत ही अमाउंट में जो है इस रीजन में पाए जाएंगे। तो ये अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो था ओरिएंटल रीजन कितना क्लासीफाई करता है कितने सब रीजन में, तो टोटल 4 सब रीजन में। कौन कौन सा? इंडियन सब रीजन, सिलोन सब रीजन, इंडो चाइना सब रीजन, इंडो मलाया सब रीजन। तो ये सारे सब रीजन से, और इस सब रीजन, ये सब रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है आपको ऐसे याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से फाउना है जो यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से नोट्स, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने प्रोवाइड करा है आपको, आप जो है यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आसान भाषा में आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आपको इस कोने का नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा झुक जाती हूँ तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स यहाँ से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि ओरिएंटल रीजन का फाउना, मतलब फाउना हम बात करेंगे तो फिश से लेकर के मैमेलिया तक का बात करेंगे, कौन कौन से मतलब फिश हैं, एम्फीबिया हैं, रेप्टिलिया हैं, एप्स एंड मैमेलिया हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिश के बारे में। फिश में फिश जो है मतलब यहाँ ओरिएंटल रीजन में जो भी फिश पाई जाएगी उसका रेजेम्बलेंस इथियोपियन रीजन से होगा, मतलब इथियोपियन रीजन में जो फिश फाउना होगा ना वो फिश फाउना ओरिएंटल रीजन में भी पाया जाएगा। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखी जाती है कि जो फिश फाउना ओरिएंटल रीजन में पाया जा रहा है वैसा ही फिश फाउना इथियोपियन रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। और जो फिश फाउना है ओरिएंटल रीजन में, यहाँ पे जो ज्यादातर फिश है वो कार्प्स और कैटफिश आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये वाला जो ओरिएंटल रीजन है इट इज डोमिनेटेड बाय कार्प्स एंड कैटफिश। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्प्स और कैटफिश आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे फिशेज जैसे कि नोटोप्टराइजी जो वगैरह जो है ये सारे ऑर्डर के फिश भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया यहाँ पे जो है टेल्ड एम्फीबिया आपको काफी ज्यादा रेयर देखने को मिलेगा, जैसे कि टेल्ड एम्फीबिया में सैलेमेंडर वगैरह आ जाता है, तो सैलेमेंडर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कैमेलियन वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, टेल्ड एम्फीबिया बिल्कुल रेयर मिलेगा, एकाध कभी दिख गया तो दिख गया, वरना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओरिएंटल रीजन में जो एम्फीबिया है वो एन्यूरा और एपोडा आपको एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे, ज्यादातर एन्यूरा और एपोडा आपको पाया जाएगा यहाँ एम्फीबिया। और आप लोग बीएससी पार्ट थर्ड में आ गए हो, उम्मीद करती हूँ एन्यूरा और एपोडा आपको समझ आया होगा, बिकॉज पार्ट टू में क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, सो यहाँ पे एम्फीबिया में जैसे अगर बात करें एन्यूरा एपोडा में क्या कौन कौन से एम्फीबिया आते हैं, राना के स्पीसीज हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग, रेकोफोरस, बुफो, इक्थायोफिस,
जिजेनोफिस। तो ये सारे कुछ एम्फीबियंस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं ओरिएंटल रीजन में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रेप्टिलिया। कौन कौन से रेप्टिलिया पाया जाता है? यहाँ पे बहुत सारा रेप्टिलिया आपको पाया जाएगा। एंड दिस रीजन दैट इज ओरिएंटल रीजन इज डोमिनेटेड बाय लिजार्ड, स्नेक, ट्वाटारास एंड क्रोकोडाइल्स। ठीक है, सॉरी ट्वाटारास कह रही हूँ, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पे जो है रेप्टिलिया में आपको लिजार्ड बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, स्नेक आपको हर जगह देखने को मिलेगा, मतलब ओरिएंटल रीजन के हर रीजन, मतलब उसके हर जगह देखने को मिलेगा, मतलब ओरिएंटल रीजन में। ठीक है, टर्टल्स होगा एंड क्रोकोडाइल। तो रेप्टाइल्स में ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स में बहुत ज्यादा रेप्टाइल्स आपको यहाँ पे वैरायटी देखने को मिलेगा, बट एम्फीबिया यहाँ पे, टेल्ड एम्फीबिया यहाँ पे नहीं होता है, रेयर होता है, ये याद रखना है। और अगर बात करें कि क्या क्या रेप्टिलिया होता है, तो गैवियलिश, जिकगू, ठीक है, जिकगू दैट इज फ्लाइंग लिजार्ड, जिकगू को कहते हैं फ्लाइंग लिजार्ड। ठीक है, मतलब ये उड़ने वाली छिपकली होती है, फ्लाइंग लिजार्ड। ओके, कैमिलियन, वेरिनस, पाइथन, टेस्टुडो, कोबरा, ये सारे जो रेप्टिलिया हैं ओरिएंटल रीजन में आपको पाए जाएंगे। बर्ड में देखें तो बर्ड में टोटल इस रीजन में, ओरिएंटल रीजन में टोटल 66 फैमिलीज जो है बर्ड का आपको देखने को मिलेंगी। से हनी गाइड्स हो गया, वुड पिकर हो गया, हॉर्न बिल्स हो गया, पिकॉक हो गया एंड बहुत सारे। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं आपको, इसमें से जो है जितने भी जो भी एग्जाम्पल आपको याद रह सकते हैं एग्जाम तक, तो वो सारे एग्जाम्पल जो है आप याद कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं एक दो याद नहीं करना है, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल जो है आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में आपको हनी गाइड्स, वुड पिकर, हॉर्न बिल्स, पिकॉक, ईटीसी आपको देखने को मिलेगा। 66 फैमिली और बर्ड है तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। मैमल्स में देखें तो मैमल्स में टोटल 30 मैमिलियन फैमिलीज यहाँ पे आपको ओरिएंटल रीजन में देखने को मिलेगा। जैसे अगर बात करें कि स्त्रियु जो है फर्स्ट मैमल्स आपको कहा जाता है ट्री स्त्रियुज, ठीक है, रैबिट्स, कैनिश जो है, कैट, इक्वस दैट इज हॉर्स, राइनोसोरस, ग्रेट एप जैसे कि ओरेंगुटान, गिबन, गोरिल्ला, चिंपांजी, एलिरस, कैमल, ये सारे जो मैमल्स हैं वो इस ओरिएंटल रीजन में जो हैं पाए जाते हैं। तो ये था आपका ओरिएंटल रीजन के बारे में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक्चुअली में देखिए ओरिएंटल रीजन में क्या क्या, कौन कौन सा एरिया जो है वो इंक्लूड होता है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन इन पॉइंट ऑफ व्यू की नॉर्दर्न साइड में, साउदर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पढ़ा ईस्टर्न साइड में कौन कौन से एरिया है एंड वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ओरिएंटल रीजन जो है वो कितने सब रीजन्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से सब रीजन्स हैं, ये सारे सब रीजन्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, इस सब रीजन्स में कौन कौन से एनिमल्स मतलब फाउना जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, फाउना ऑफ ओरिएंटल रीजन, यानी पार्टिकुलरली हम लोगों ने फाउना करके पढ़ा फ्रॉम फिश टू मैमल्स। ठीक है, तो ये पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिएंटल रीजन, ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओरिएंटल रीजन हम लोग डील कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो है इससे नोट्स आपका अच्छा बन जाएगा एंड क्लियर हो गया हो कि ओरिएंटल रीजन क्या होता है, कहाँ होता है, कौन कौन से फाउना इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए।